तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस लिथियम आयन बैटरी चार्जर को, जो कि 4.2 वोल्ट आउटपुट देता है, जो कि हमारी लिथियम आयन बैटरीज को चार्ज कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये है इसके आउटपुट के पोर्ट्स, इसके साथ में कनेक्टेड देते हैं बैटरी और जो हमारी बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो गई है। सो गाइस, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी वीडियो का जो आज का प्रोजेक्ट है वो है लिथियम आयन बैटरी चार्जर। सो गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता कि यार ये लिथियम आयन बैटरीज क्या होती हैं, तो सीधा सीधा समझ लो जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जैसे कि जो हमारे स्मार्टफोन्स में, ब्लूटूथ स्पीकर्स में, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स, जो भी मतलब ये वायरलेस गैजेट्स होते हैं, इनके अंदर जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती हैं, जो कि रिचार्जेबल होती है। अब उनको चार्ज करने के लिए क्या होता है, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि हमारी बैटरीज को चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने का शौक है या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाते हो जिसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब पे करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सर्किट बोर्ड आता है चार्ज करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। इसलिए कि इसी वजह से मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा एक जुगाड़, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस, ये जो सर्किट आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसी सर्किट को हम देख कर आज हम बनाने वाले हैं हमारा लिथियम आयन बैटरी चार्जर। सो कॉम्पोनेंट्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे क्या क्या यूज़ होंगे। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये देखो, एक हमें ना चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ इस तरह का चार्जर है, एक ये देखिए, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक अडेप्टर है जिसका यूज़ हम अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए करते हैं। तो एक ये हमें यूज़ ज़रूरत पड़ेगी, और एक यूएसबी केबल की, और इसमें आपको एक और मैं बात बता दूँ, इसमें चार केबल्स होती हैं। या हम क्या सोचते हैं, ये जो यूएसबी जो केबल होते हैं जिसे हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये एक ही केबल होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बल्कि पूरी चार केबल जिसके अंदर लगी होती है, और उन चारों में से आप देख सकते हो यहाँ पर चारों की केबल आपको दिख रही होगी। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, ये देखो, ये चार केबल्स होती हैं इसके अंदर। अब चार की होती है, मैं आपको चलो ये भी बता ही देता हूँ थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए, वैसे हमारे इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना तो है नहीं इस चीज़ का, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो गाइस देखो, ये वाली जो होती है ब्लैक वाली, ये होती है ग्राउंड वायर, यानी ये जो तीन वायर है ना, ये तीनों पॉजिटिव होती है, मतलब इनके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, ये जो तीन वायर है इनके लिए कॉमन ये वाला वायर होता है, जो ये पॉजिटिव वायर होता है ना, ये जो हमारे फ़ोन को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है, जो कि करंट को या फिर करंट को मतलब कैरी करता है और हमारे फ़ोन को चार्ज करता है। और जो ये वाली जो दो एक्स्ट्रा वायर्स हैं, ये हो रही हैं डेटा के लिए, और ये वाली जो ये वाली मतलब दो अलग अलग वायर होती हैं, मतलब डेटा ट्रांसफरिंग और डेटा रिसीविंग के लिए ये दो अलग अलग वायर्स यूज़ होती हैं। तो मतलब यहाँ पर चार वायर्स होती हैं, हमें सिर्फ चार्जिंग से मतलब है। तो देखो, हम क्या करेंगे, ये जो दो वायर्स हैं एक्स्ट्रा, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन वायर्स को काट लेंगे, क्योंकि हमें इन वायर्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी ख़राब यूएसबी केबल पड़ा होगा, या फिर कोई ऐसा यूएसबी केबल आपके पास घर में ज़रूर पड़ा होगा जो कि बहुत कम यूज़ होता है या फिर ख़राब पड़ा है, आप उस केबल का यूज़ कर सकते हो। आपको नया केबल ख़राब करने की, नए केबल को इस तरह से कट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फिर सिंपली इसको लगा देते हैं इस अडेप्टर के अंदर, और बस उसके बाद हमें जो यहाँ पर वायरिंग आप देख रहे हो और क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट्स यूज़ की गई हैं, कुछ वायर्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी, छोटे छोटे वायर्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी। हम आउटपुट के लिए जो है मतलब आउटपुट देने के लिए हम वायर का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम स्क्रूज़ का यूज़ करेंगे। हमारा ये स्क्रूज़ ही मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स का काम करेगा, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। और चाहिए एक SPST स्विच, बिल्कुल छोटा सा स्विच, 10K ओम का रेजिस्टर। देखो दोस्तों, एक 10K ओम का रेजिस्टर है, 10,000 ओम्स का रेजिस्टर, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम लगाने वाले हैं LED की जो पॉजिटिव लेग है, हम LED भी यूज़ करेंगे। LED की जो पॉजिटिव है, यहाँ पर आपको दो दिख रही है ना लेग्स, दो टर्मिनल्स होते हैं, ये जो छोटी वाली है वो होती है नेगेटिव, और जो लंबी वाली होती है वो पॉजिटिव, पता नहीं मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। और जो पॉजिटिव है उसको हम लगाते हैं उसके नीचे हम लगाते हैं रेजिस्टर। आपको वैसे पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ मैं। और साथ में एक ज़रूरत पड़ेगी एक और चीज़ की, वो है ये डायोड। आप देख सकते हो एक डायोड है मेरे पास में, जिसकी वैल्यू है IN4007 या फिर IN4007 डायोड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो IN4007 डायोड, और इसको हम जो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, एक आपको यहाँ पर एक सिल्वर कलर की लाइन दिख रही होगी, जो सिल्वर कलर की लाइन है उसे हमें बिल्कुल मतलब जो आउटपुट है उसकी तरफ रखना है, इनपुट की तरफ नहीं रखना, आउटपुट की तरफ रखना है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको फटाफट बता दिया क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, कैसे हमारा चार्जर काम करेगा। फटाफट मैं आपको वायरिंग भी इसकी करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वायरिंग करना। तो
गाइस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं जो सर्किट है ये तो बना के दिखाऊंगा ही, और साथ ही मैं जो आपको जो टेस्टिंग है आज मैं टेस्ट भी आपको करके दिखाने वाला हूँ कि क्या ये जो लिथियम आयन बैटरी चार्जर है जो हम घर पर मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ क्या वो सच में काम करता है, यानी कि क्या वो सच में बैटरी इसको चार्ज करता है या फिर नहीं, इस चीज़ का प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वायरिंग पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अगर आपको डायग्राम देखना तो डायग्राम आपको मैं अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों अब आप चाहो तो डायग्राम को जो है आपको दिख रहा होगा कि डायग्राम बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को यहीं पर यहीं की यहीं वीडियो को पॉज करके एक बार डायग्राम को ज़रूर देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वायरिंग मैंने किस तरह से की और आपको सर्किट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ यार आप इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए कैसे मैंने इसको बनाया है सर्किट को। चलिए दोस्तों अब बनाना शुरू करते हैं हमारा सर्किट, वायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव केबल देख रहे हो यूएसबी का, ये यूएसबी का पॉजिटिव केबल है, इसको हम सीधा ही स्विच में लगा देंगे। स्विच है ना जो सीधा ही स्विच के साथ लगा देंगे। तो स्विच के साथ पहले मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर, तो इसके ऊपर कर देते हैं सोल्डरिंग। मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्विच के साथ पॉजिटिव वायर लगा दी और अब देखते हैं क्या करना है आगे। बिल्कुल मैं जो डायग्राम में लिखा हूँ जैसा डायग्राम में मैंने बनाकर आपको शो किया बिल्कुल वैसा ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो एक बारी के लिए हम स्विच को रख लेते हैं साइड में। अब बारी है जो हमारे आउटपुट वाले पोर्ट्स हैं, पहले इनकी वायरिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो स्क्रूज लेंगे। पहले मैं आपको सब कुछ बताया, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको फटाफट बता देता हूँ क्या करना है। तो ये हमारे दो स्क्रूज हैं, इन दोनों स्क्रूज को क्या करेंगे, दो वायर लेनी है हमें। तो ये रही एक वायर मैं ले लेता हूँ। अब इस वायर को कहाँ लगाना है मैं बताता हूँ। ये वायर इस स्क्रूज के बिल्कुल साथ में हमें लगा देना होगा। ये देखिए इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, इसके साथ मतलब लगा देता हूँ। और इसके ऊपर फिर से करूँगा मैं सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग कर देते हैं इसके ऊपर, सोल्डरिंग करना शुरू करते हैं। कर देते हैं तो दूसरा स्क्रू उसके साथ में मैं वायर लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं बिल्कुल आपको शो कर रहा हूँ जैसा कि डायग्राम में ड्रॉ हुआ है वैसा ही मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये एक लगाया, एक और वायर लगाया स्क्रू के साथ, इसके ऊपर भी कर देते हैं सोल्डरिंग। अब देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दी हुई है और ये भी लग चुका है इसके ऊपर, अच्छे से लग चुका है। तो अब क्या करना है, पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है, तो कैसे मैंने ड्रॉ किया। तो जो प्लस वाला है हम इसको प्लस मान लेते हैं, चलो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस दोनों स्क्रूज एक जैसे ही हैं। तो जो प्लस वाला है उसको पहले हमें डायोड के साथ लगाना होगा। डायोड का जो सिल्वर वाला पार्ट है ना, सिल्वर कलर की जो लाइन दिख रही है आपको डायोड के ऊपर, एक सिल्वर कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, वो हमें जो पॉजिटिव आउटपुट है उसके साथ रखना है। तो यहाँ पर कर देते हैं सोल्डरिंग इसकी, तो कुछ इस तरीके से होगा। इसको लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर इस तरीके से, और कर देते हैं यहाँ पर फिर से सोल्डरिंग। अब एलईडी लगाते हैं, चलो पहले एलईडी का ये है पॉजिटिव लेग, ठीक है सबसे लंबे वाला पॉजिटिव। तो इसके साथ रेजिस्टर लगा देते हैं एक, तो ये रहा रेजिस्टर, इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो ये लगेगा यहाँ पर, इसके ऊपर करनी पड़ेगी मुझे सोल्डरिंग। तो हमारे पॉजिटिव लेग के साथ में एलईडी के लग चुका है रेजिस्टर। अब आगे देखते हैं यार डायग्राम में क्या है। दोस्तों मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ जो डायग्राम में मैं जैसे आपको बना के दिखा रहा हूँ सर्किट, आप भी बिल्कुल वैसे ही बनाना, आपका 100% काम करेगा। तो अब क्या करना है, ओके तो पहले लेते हैं एक नेगेटिव वायर। ओके तो पहले एक नेगेटिव वायर लेते हैं, उस नेगेटिव वायर को हम लगा देंगे एलईडी के नेगेटिव के साथ में शायद। एक मिनट, एक काम करते हैं, ये जो नेगेटिव वायर है ना इसकी, ये देखो यहाँ पर जैसा मैंने ड्रॉ किया, ये नेगेटिव को सीधा ही हम एलईडी के साथ लगा देते हैं, एलईडी की नेगेटिव के साथ, ठीक है।
तो ये रहा नेगेटिव वायर। अब इसको मैं एलईडी के नेगेटिव के साथ लगाऊंगा, देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही देखते रहो आप कैसे कैसे कर रहा हूँ वायरिंग। तो ये लग गया इसके साथ। अब यहीं पे देखो यहाँ पर मैंने, अब देख रहे हो ना एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर जॉइंट है वायर के बीच में, ये वाली वायर मतलब कि तीनों वायर एक ही है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं नेगेटिव के लिए आउट। ये देखो ये तो पॉजिटिव है, जहाँ पर डायोड लगा है, जो नेगेटिव है वहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, उसको हम लगा देते हैं यहाँ पर सीधा इसके साथ लगा देंगे एलईडी के नेगेटिव के साथ में, ठीक है। तो ये लग गया यहाँ पर एलईडी के नेगेटिव के साथ में। चलो यहाँ पर कर देते हैं सोल्डरिंग, एक ही पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देंगे। क्या करना है अब स्विच की बारी आ गई है ना, स्विच लगा देते हैं। तो स्विच के लिए क्या है, देखो हमारा एक टर्मिनल स्विच का बच गया, ये पॉजिटिव इसका बच गया, पॉजिटिव इसका बच गया, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, जो ये वाला वायर यहाँ से हम एक वायर लगाएंगे, देखो यहाँ से एक वायर लिया और जो डायोड का एक वायर है, उन दोनों को एक पॉइंट पर लगा देंगे, एक पॉइंट पर मीट करेंगे और उन एक वायर लगाकर उसको एक स्विच पर लगा देंगे। तो बस इतना सी काम रह गया, मतलब ज़्यादा कुछ लंबा है भी नहीं। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप देख लो वीडियो का एंड तक। तो लगा देते हैं रिसीव यूनिट यहाँ पर, लगा देते हैं इसके साथ में। वायर है काफ़ी हार्ड है, तो मतलब इतनी इजीली नहीं होगा फोल्ड, मतलब इतनी इजीली मतलब इसको हम ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे वायर की तरह। तो यहाँ पर एक वायर लगानी पड़ेगी हमें, तो एक लगा देते हैं वायर इसके साथ, बिल्कुल इसके साथ में एक वायर लगा देंगे। तो ये देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। तो एक वायर लग जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर कर देते हैं सोल्डरिंग एक बार फिर से। मैं आपको सब कुछ दोस्तों मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, मतलब जो सर्किट है ना मतलब आपको लाइव बनाकर दिखा रहा हूँ, मतलब लाइव जो सोल्डरिंग है, जो भी मैं जैसे मैं सर्किट को बनाता हूँ, बिल्कुल आपको लाइव खुद आज मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे बनाता हूँ मैं और कैसे आप बना सकते हो इजीली। तो अब क्या करना है, दो वायर्स आ गए, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया ना, ये रजिस्टर से जो वायर निकल रहा है और जो आउटपुट का जो वायर है, देखो इन दोनों को मतलब ये तो डायोड का वायर आ गया, तो ये वाला जो वायर है ये डायोड वाला वायर, और इन दोनों को हम एक ही पॉइंट पर लेकर आते हैं पहले। तो इसका एक पॉइंट निकाल लेते हैं कॉमन यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमें एक वायर लगा दिया इस तरीके से, इनको मैं मतलब स्विच करके एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ इस जगह पर, और एक वायर और निकाल लेते हैं जो कि हमें स्विच पर लगानी होगी। तो स्विच के लिए एक वायर ऑर्डर ले लेता हूँ मैं, तो ये एक और वायर, तो इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर इसी पॉइंट पर लगा दूंगा, मतलब तीन वायर आ जाएंगे इस पॉइंट पर। अब इसके ऊपर करते हैं सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करते हैं, और देखिए दोस्तों मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, और फाइनली जो हमारा सर्किट वो जस्ट बनने ही वाला है दोस्तों, बस थोड़ा सा ही रह गया काम, बस स्विच के ऊपर वायर लगा देते हैं और हमारा सर्किट बन कर तैयार हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है मैंने, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और आपको मैं इसका लाइव टेस्ट भी आपको करके दिखाने वाला हूँ कि ये सच में काम करता है। तो चलिए स्विच के साथ एक वायर लगा देते हैं। तो स्विच थोड़ा गर्म है, अभी सोल्डरिंग किया ना तो थोड़ा सा गर्म है इसको, तो यहाँ पर करते हैं सोल्डरिंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे स्विच के साथ वायर लगाने में, क्योंकि यार ये जो स्विच है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर चुका हूँ, मैं इस स्विच स्विच को बहुत प्रोजेक्ट में यूज़ कर चुका हूँ, तो शायद ये स्विच थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, शायद ये काम ना कर पाए इनको। गाइस बिल्कुल जैसा डायग्राम में आपने मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल वैसे ही हमारा सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। सो गाइस हमारा सर्किट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो हम क्या करते हैं अरे उसको लगा देंगे, यूएसबी केबल को लगा देंगे इसके साथ में, और हमारे चार्जर जो है, हमारा चार्जर है मतलब ये भी हमारा चार्जर है, एक ऐसा नहीं है चार्जर, ये भी चार्जर है और ये चार्जर है, मतलब एक चार्जर मतलब ये चार्जर इस चार्जर से काम करेगा, कितनी कमाल की बात है ना। तो सबसे पहले हम इस चार्जर को लगा देंगे डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में, तो लग चुका है। और देखो मैं स्विच करता हूँ ऑन, तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है, आप देख सकते हो हमारी जो चार्जर का सर्किट है उसकी टेस्टिंग की। गाइस हमने इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी के साथ में हमारे अडैप्टर को हमारे चार्जर को लगा दिया, और ये रहा हमारा सर्किट। सो गाइस इसको मैं काफ़ी केयरफुली मतलब काफ़ी सावधानी से मैं इसको रख देता हूँ एक जगह पर, ताकि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, क्योंकि सारे जो वायर्स हैं सारे टर्मिनल्स अभी लूज़ पड़े हैं, आप देख सकते हो सब कुछ अभी लूज़ है। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग पर आते हैं। तो दोस्तों टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ। देखो हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, उसको पावर सप्लाई देने के लिए 9 वोल्ट बैटरीज का। आप भी कहोगे कि 9 वोल्ट बैटरी से हम कुछ भी हो, तो मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं 9 वोल्ट बैटरीज को हम सबसे पहले
चूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में, तो ठीक है। लेकिन देखो जो 9 वोल्ट बैटरी जो होती है ना, ये चार्ज नहीं कर सकते हम इनको, यानी ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। तो चार्जेबल बैटरीज कौन सी होती हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन की बैटरी होगी, जैसे मेरे पास में एक मोबाइल फ़ोन बैटरी है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन की बैटरी है ना, ये भी रिचार्जेबल होती है। जैसे आप देख सकते हो 1050 mAh की एक बैटरी है। कुछ इस तरह की एक टॉय बैटरीज भी आती हैं, टॉयज़ में यूज़ होती हैं इस तरह की छोटी छोटी बैटरीज, हेडफोन्स में यूज़ होती हैं, वायरलेस हेडफोन्स, वायरलेस ईयरफोन्स में इस तरह की बैटरीज का यूज़ किया जाता है। ये देखिए, और होती हैं कुछ इस तरह की पावर बैंक के सेल्स। ये दोस्तों, ये जो आप सेल देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसकी कैपेसिटी है पूरे 2600 mAh। इसकी इसका यूज़ मतलब बहुत जगहों पर किया जाता है, जैसे लैपटॉप बैटरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, पावर बैंक में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये भी रिचार्जेबल बैटरी होती है। इस तरह की बैटरीज को 18650, मतलब ये कोड है 18650 बैटरी कहा जाता है। या पूरी किसी भी लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप पर सिर्फ 50 से 60 रुपये में मिल जाएगी, तो आप इसे खरीद सकते हो। ये 2600 mAh की बैटरी मतलब आपके लिए काफ़ी, आपके प्रोजेक्ट के लिए। जो 9 वोल्ट की बैटरीज होती हैं इनके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं ये बैटरीज, तो ठीक है। ये तो कुछ मैंने आपको बातें बता दी। अब चार्जिंग के ऊपर आते हैं, तो चार्ज कैसे करेंगे, देखो मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाता हूँ। ये मेरे पास में एक छोटा सा बैटरी है, इसकी वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ कितनी है। आप सब कुछ पढ़ पा रहे हो ना क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? नहीं पढ़ पा रहे, एक मिनट फोकस कर देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, अब यहाँ पर 100 mAh का बैटरी है ये, और 3.7 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज दिखाता हूँ कितनी है, ठीक है। तो मल्टीमीटर से मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ कितनी है। दोस्तों हमारी जो बैटरी है उसकी मैं आपको एक बार वोल्टेज दिखा देता हूँ कितनी है। तो मल्टीमीटर की मदद से यहाँ पर आप दोस्तों मीटर पर आप देख सकते हो जो रीडिंग शो होगी आपके, बिल्कुल आपके डिस्प्ले पर आपको शो होगी। तो आप बस यहाँ पर ध्यान दो कि कितनी रीडिंग यहाँ पर शो होती है। तो मैं इसको लगा देता हूँ, तो ये लगाया नेगेटिव पर और ये लगाया पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज शो हो रही है 3.79 वोल्ट की अभी इसमें बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है। 3.79 अभी इसमें बैटरी है। तो अब इसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो भी आपको याद है ना 3.79 वोल्ट। अब इसको चार्ज करते हैं, फिर देखते हैं कितने वोल्ट होती है। वैसे तो मैंने इसको, मुझे बताया फुल चार्ज है, मैं आपको बताया था ना 3.7 वोल्ट है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सच में काम करता है या फिर नहीं, क्योंकि मैं जो भी बैटरी वो हमेशा चार्ज करके ही रखता होता हूँ, स्टोर करता हूँ उनको। तो चलिए एक बार, तो चार्ज करेंगे कैसे, तो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्लिप्स होती हैं, क्लिप्स या फिर आप किसी वायर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये क्लिप्स नहीं है तो क्लिप्स को क्या करेंगे, देखो तो चलिए जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव की बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको जो पॉजिटिव, अब इनमें से जो दो आपको स्क्रूज दिख रहे हैं ना, इन दोनों में से पॉजिटिव स्क्रू कौन सा है, पॉजिटिव वो वाला जहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर डायोड है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, ये लग गया, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो ये रहा नेगेटिव, इसके साथ लगाया ये वाला, और इस स्क्रू को भी इसके साथ में लगा दिया इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों पूरा सेटअप लगा दिया हुआ, देख सकते हो हमारी बैटरी को जो है मैंने सप्लाई दे दी। तो अब करते क्या है, देखो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर सारी वायरिंग हो चुकी है। तो अब करते हैं स्विच को ऑन, तो ये रहा स्विच ऑन, ये मैंने कर दिया स्विच ऑन। अब बैटरी अब चार्ज नहीं हो रही, ऐसी नहीं है चार्ज नहीं हो रहा बैटरी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्विच को ऑन करना होगा। तो मैं जैसे ही स्विच को करूँगा ऑन, हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, मतलब बैटरी हमारी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो करते हैं स्विच को ऑन। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारी LED ग्लो कर रही है, यानी कि LED जलना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो। चल थोड़ी देर बस वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी वोल्टेज में ज़रा सा भी, हमारी बैटरी की वोल्टेज में क्या ज़रा सा भी फ़र्क आता है या फिर नहीं, कि या फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया। तो चलिए पता लगाते हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद। दोस्तों आप यकीन मानिए मेरे बात का, मतलब जो आज का प्रोजेक्ट है सच में काम करता है। मतलब मैं आपको यही कह रहा हूँ बार बार कि अगर आपको हम आपके पास भी कोई इस तरह की लिथियम आयन बैटरीज है, लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज है, तो आपको उसे चार्ज करने के लिए इस सर्किट को बनाना जरूर चाहिए। जो बैटरी चार्जर आपको उसे जरूर बनाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट है सच में काम करता है। कुछ ही देर में आपको इसका सबूत भी मिल जाएगा। जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए, जो भी चीज़ आपने मैंने इसमें यूज़ की ना, उसकी सारी प्राइस, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है हमारे इस प्रोजेक्ट की, टोटल कॉस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो प्लीज़ यार आप इस चीज़ को बना सकते हो। बहुत सिंपल सा सर्किट है, मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। तो देखो कितनी है। सो गाइस हमारी बैटरी को जो है चार्ज करते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, आपको याद होगा 3.79 वोल्ट पहले शो कर रहा था। चलिए दोस्तों मल्टीमीटर से एक बार फिर से बैटरी चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। कर दिया वोल्टेज पर, अब देखते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है। तो वोल्टेज टेस्ट करते हैं, तो लगाते हैं फिर से इसको, ये लगाया नेगेटिव पर और ये लगाया पॉजिटिव पर।
आप मीटर के ऊपर ध्यान दे लो दोस्तों, आपको मैं ध्यान से आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से चेक करके। ये देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, वोल्टेज जो है 3.86 यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब पहले था 3.79, मतलब 10 मिनट रखा मैंने इसको चार्जिंग पर, 3.86 हुआ। अब भी सोच रहे हो बस इतना ही चार्ज हुआ यार, ये तो बहुत कम है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि बैटरी भी कितने 3.7 वोल्ट की ही है, मतलब 3.7 वोल्ट की बैटरी को भी हमने मतलब ज़बरदस्ती, मतलब मैंने भी ज़बरदस्ती किया, 3.7 वोल्ट की बैटरी को हमने 3.85 तक ले आए हम लोग। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, मतलब इससे ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं हम ला सकते ना। चलिए कोई और बैटरी पर टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर एक स्मार्टफोन की बैटरी है, फ़ोन की बैटरी, मतलब 1050 mAh की बैटरी है, तो इसको लगा देते हैं एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं इसकी वोल्टेज कितनी है, 3.72। चलिए इसको इसको चार्ज करके देखते हैं कि इसकी इसकी वोल्टेज में क्या फ़र्क आता है या फिर नहीं। तो बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे किया प्लग स्विच ऑन, एक मिनट इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। तो अब देखो क्या करना है, इसको लगाया नेगेटिव पर, इसको लगाया पॉजिटिव पर और कर दिया स्विच ऑन बस, और हमारी बैटरी जो है चार्ज होना शुरू हो चुकी है। पूरे 5 मिनट हमने चार्ज किया हमारी इस बैटरी को, पूरे 5 मिनट से मैंने इस बैटरी को चार्ज किया। तो देखते हैं अभी वोल्टेज में क्या फ़र्क आया था दोस्तों। पहले वोल्टेज थी इस बैटरी की 3.72, ठीक है, अब देखते हैं कितने वोल्ट हुए। तो ये रहा मल्टीमीटर, दोबारा से एक बार फिर से चेक करते हैं, लगाए नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव, 3.72 था और अब हुआ है 3.79। मतलब यार मैं कहूँगा कि हाँ, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है आज का वो सच में काम कर रहा है, आप भी चाहो तो इसे बना सकते हो, बिल्कुल काम ये करता है। ओके गाइस, तो यार आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वैसे भी वीडियो का एंड नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो सर्किट था, मैंने मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मतलब ये जो सर्किट था हमारा फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, एक मतलब ऐसे तो मतलब काफ़ी लूज वायर्स हैं, सब अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं क्या करूँगा कुछ मतलब डिज़ाइन दूंगा, मतलब डिज़ाइन क्या मतलब कुछ मतलब अच्छा लगे दिखने में चार्जर की तरह। तो मैं एक कोई बॉक्स या फिर कोई मैच बॉक्स में इसको मैं सर्किट को सब फिट कर दूंगा, और मैं आपको वीडियो एंड में मतलब दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने इसको बनाया, तो सब कुछ आपको दिखा दूंगा। एक बार फिर से आपको टेस्ट करके दिखने को मिल जाएगा, जैसा आप थंबनेल में देखा उस चीज़ को आपको अब मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं, मतलब सब कुछ पैक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो लिथियम आयन बैटरी चार्जर है वो आज का प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी फिनिशिंग पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हो, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था लिथियम आयन बैटरी चार्जर, जो आज मैं बनाकर दिखा रहा था, जिसका मैंने सर्किट आपको भी बनाकर दिखाया था ना, मतलब जो वायरिंग आपको सोल्डरिंग करके, जो भी आपको वायरिंग करके दिखाई, वो जो मैंने आपको एक चीज़ बनाकर दिखाई थी अभी सर्किट, कुछ उस तरीके से उसको मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया, मतलब चार्जर टाइप, मतलब जिससे कि दिखने में कुछ अच्छा लगे। तो कुछ इस तरीके से उसकी लुक आ रही है, मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी ब्लैक टेप की मदद से। यहाँ पर आउटपुट के लिए मैंने स्क्रूज लगा दिए, स्विच लगा है, चार्जिंग इंडिकेटर लगे, और जो चार्जिंग इंडिकेटर की एक बात बता दूँ, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो इंडिकेटर वाली लाइट है ना चार्जिंग की, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। पीछे की तरफ इसकी USB केबल लगी हुई है, जो जिससे कि हमें एक दूसरे चार्जर, यानी कि कोई 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का मेरे पास में जैसे अडेप्टर है, जो कि मोबाइल फ़ोन चार्जर है बेसिकली, उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। 220 वोल्ट AC के साथ हम इसको लगा देंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं लगा दूँगा। और जो हमारी जो मतलब अब आप देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो जो हमारी चार्जिंग वाली लाइट है वो भी ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्विच है वो भी हमने ऑफ किया हुआ है। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो तो आपको बार बार बैटरी को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लगा हो तो स्विच ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो बैटरी की पावर है, मतलब जो LED लगी है ना चार्जिंग वाली, वो सिर्फ तभी ऑन होगी जब हम इसको सप्लाई देंगे। ये बैटरी देखो, मैं बैटरी लगा रहा हूँ टर्मिनल पे, लेकिन बैटरी की सप्लाई से देखो स्विच ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बैटरी की सप्लाई से ये ऑन नहीं होती चार्जिंग की लाइट, ये सिर्फ तभी ऑन होगी जब हम इसको अडैप्टर से सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिप एलिगेटर क्लिप से इसे कहते हैं, तो मैं इसकी मदद से बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम बना सकते हैं एक लिथियम आयन बैटरी चार्जर, वो भी अपने घर पर आप बना सकते हो कितनी आसानी से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ।